कोई ऐसी माई की लाल कार नहीं मिली आज तक जो इसके एवरेज को बीट कर दे दोस्तों। इंडिया में चलते हैं भेड़ चाल वाले लोग, बस ऐसा है दोस्तों। मैंने आपको कह दिया ना कि शिमला में पहुंचा देगा तो पहुंचा देगा दोस्तों। नैनो ने ना बड़ी बड़ी कार कंपनियों के छक्के छुड़ा दिए थे, उनको नींद हराम कर दी थी उनकी। कैसे कर दी भाई उनकी नींद हराम, क्या कर दिया ऐसा टाटा नैनो ने दोस्तों। मैं आपको बताऊंगा पॉइंट वाइज पॉइंट सारी चीजें बताऊंगा दोस्तों। और वीडियो में दोस्तों एंड तक बने रहना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा ऑसम होने वाली है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों नैनो की एक अलग ही पहचान रही है शुरू से ही, क्योंकि उसकी जो लुक है, मॉडर्न लुक है, वो सब कार को एकदम अलग हटा देती है। उसकी जो लुक है दोस्तों, हर चीज में वो सबसे अलग डिफरेंट दिखती है। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है दोस्तों, वो वीडियो देखने लिंक दे दूंगा आई बटन पे। और ऐसी बहुत सारी वीडियोस है टाटा नैनो से रिलेटेड, आप जाके देख सकते हो। वीडियो को पॉज कर दो दोस्तों, ऊपर आई लिखा हुआ रहा है, आप जाके वहां से बहुत सारी वीडियोस को विजिट कर सकते हो दोस्तों। इसने दोस्तों ऐसी ऐसी चीज कर दी ना, हड़कंप मचा दिया। जब ये आई थी नैनो तो उसने हड़कंप मचा दिया था, पूरी जो भी थी दोस्तों समाज तबाही बचा दी थी पूरी। क्या कर दिया दोस्तों इस नैनो ने, तो आपको बताता हूँ। नंबर वन पे दोस्तों इसकी जो लुक थी वो एकदम कैंट थी, सबसे अलग थी, डिफरेंट थी, क्योंकि सभी कार के इंजन के आगे बॉनट 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 देख देख के सब पक चुके थे। तो टाटा ने कुछ डिफरेंट काम करा यार, सबसे डिफरेंट कर दिया बिल्कुल। तो इसके इंजन कर दिया पीछे और एक मॉडर्न लुक में ले आया। इसकी चीज़ें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मैं बताऊंगा ना, आप शॉक्ड हो जाओगे दोस्तों वो सुन सुन के। नंबर दो पे दोस्तों नींद उड़ा दी नैनो ने सबकी। कैसे उड़ा दी भाई, क्योंकि इसने जो नैनो ने काम करा था ना, टाटा कंपनी ने जो भी काम करा था इस पे, तो दोस्तों उन्होंने ऐसा वर्क करा था कि ऐसे प्राइस के अंदर उन्होंने कार लॉन्च कर दी थी उसकी। दोस्तों पूरे ही ऑल ओवर वर्ल्ड में हड़कंप मच चुका था कि नैनो एक ऐसी कार निकाल दी है, टाटा वालों ने एक ऐसा काम कर दिया जो दोस्तों किसी ने भी नहीं किया आज तक, किसी ने भी नहीं किया। रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था यानी, तो एकदम बहुत शुक्रिया है, बस यही कहना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया है किसके लिए, रतन टाटा जी के लिए, क्योंकि दोस्तों जो इस कार को यूज़ करता है ना, उनको पता है कि ये कार कैसी है, उनको पता है दोस्तों ये कार के अंदर है क्या मज़ा, जो कोई और इसे महसूस नहीं कर पाता मेरे भाइयों। तो अलग है, एकदम नेक्स्ट लेवल है मेरे दोस्तों। नंबर तीन पे आता है दोस्तों इसकी स्पीड, कार की स्पीड दोस्तों। आपको मैं बता दूँ कार की स्पीड इतनी है ना कि आप हैरान हो जाओगे दोस्तों। 100 प्लस टच कर जाती है कार को, 110 तक चली जाती है, और ज़्यादा भी जा सकती है लेकिन सेफ नहीं है, लेकिन 100 टच कर जाती है। आप देख सकते हो कार की स्पीड में भी कोई दिक्कत नहीं है। स्पीड लिमिट दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 70-80 के राउंड में चलाओ, बहुत ज़्यादा सेफ चलेगी कार, लेकिन आप ज़्यादा स्पीड पर जाओगे तो सही नहीं है, क्योंकि यार ऑल ओवर कोई भी कार हो ज़्यादा स्पीड में चलाओगे तो मेरे तो बस की नहीं है भाई ये झेलना। तो आप कम स्पीड में चलाओ, सेफ रहोगे, घर पर जाओ, सीट बेल्ट लगाओ और ड्रिंक ड्राइव नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल नहीं करना ड्रिंक। नंबर चार पे आता है दोस्तों इसके एवरेज। आपको पता नहीं है यार इसकी जो एवरेज है ना, कोई ऐसी कार नहीं बनी, कोई ऐसी माई की लाल कार नहीं बनी आज तक जो इसके एवरेज को बीट कर दे दोस्तों। एवरेज इसकी ऐसी है ना, औसम है एकदम, और कार की हो ही नहीं सकती भाई, इसके आसपास एवरेज हो ही नहीं सकती। इसने अदर कार को सबको बीट करके रख दिया है, कोई ऐसी माइक लाल कार नहीं बनी जो इसके एवरेज को बीट कर दे दोस्तों, क्योंकि इसके एवरेज ना एकदम औसम निकल के आती है। एवरेज दोस्तों 20 प्लस देती है एसी पे और 25 प्लस से निकल जाती है दोस्तों नॉन एसी पे, ऐसी कोई कार बनी नहीं है मेरे दोस्तों। दोस्तों अपने चैनल पर चल रहा है गिव अवे बोएम1 माइक, अगर आप चाहते हो दोस्तों पार्टिसिपेट करना, आपको क्या करना है, वीडियो को दोस्तों लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे, क्योंकि यहां पे इस तरह की वीडियोस आती रहती है मेरे दोस्तों। और अपने चैनल पे जो गिव अवे है दोस्तों, उसमें क्या करना है आपको, वीडियो को दोस्तों लाइक एंड शेयर करते हुए आपको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है। आपको दोस्तों करना ये है, आपको मेरे मंथ एंड तक 2K सब्सक्राइब करवा देना, जो कि एक दो दिन बचे है बस। 1 तारीख को इसका अनाउंस मैं करने वाला हूं, 2000 सब्सक्राइब पूरे होने वाले हैं बस। कमेंट में आपको गिफ्ट भी लिखते हुए जाना है मेरे दोस्तों, बस इतना करना है दोस्तों। अगर आपको इसी तरह की टाटा नैनो से रिलेटेड वीडियोस देखनी है ना बहुत सारी, तो मैं लिंक दूंगा दोस्तों आई बटन में, वहाँ पे जाके आप विजिट कर लेना। बहुत सारी वीडियोस है, बहुत बहुत भर के बंडल भर रखा है मैंने, भर के टाटा नैनो की वीडियोस का दोस्तों, तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो मेरे दोस्तों। नंबर 5 पे बात करते हैं इसका एसी, जो कि मैंने हाल ही में इसका एसी बनवाया है दोस्तों। बहुत ज़्यादा चिल्ड हो रखा है दोस्तों आजकल, तो इसने तबाही मचा रखी है। इसका जो एसी है ना दोस्तों, इतने कम प्राइस के अंदर आपको एसी दे रही है ये वाली कंपनी, कोई और कार नहीं कर सकती, कोई और अदर कंपनी कर ही नहीं सकती वाली ये वाली चीज़। इसके एसी एकदम चिल्ड है भाई, तबाही है एकदम। गर्मी के अंदर आप एक पे भी चलाओगे ना एसी, इसका फुल गर्मी है, 50 डिग्री भी होगा ना, अगर आप एक पे चलाओगे ना इसके एसी को चिल्ड कर देगा। 5 मिनट में ना कैबिन को एकदम ऐसा बना देगा,
मनाली पहुंचा देगा आपको, शिमला में पहुंचा देगा, वादियों में पहुंचा देगा इसका एसी। बस ऐसा है दोस्तों, मैंने आपको कह दिया ना कि शिमला में पहुंचा देगा तो पहुंचा देगा, बस ऐसा है इसका एसी। और नंबर छः पे दोस्तों, नंबर छः पे आता है जो मेरा सबसे फेवरेट है, मेरा फेवरेट, मेरा जिगर का छल्ला है ये वाली कार। क्यों है दोस्तों नंबर छः पे ये वाला पॉइंट, मुझे इसका बहुत ज़्यादा खास लगता है। क्यों लगता है भाई, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि दोस्तों जब ये कार सिटी के अंदर चलती है ना, गलियों में, आपको पता है ना दिल्ली की गलियां कैसी होती है, इधर बाइक खड़ी है, इधर बाइक खड़ी है, और बीच में से एक पतला सा रास्ता, और उधर से भी कार आ रही है भाई, इधर से भी आ रही है, और बीच में हम फंसे पड़े हैं भाई। टेंशन ही मत लो, कुछ भी टेंशन मत लो, क्योंकि यार जो अपनी कार है ना नैनो, वो फटाक से निकल जाएगी, वो इतने से रास्ते में भी निकल जाएगी। मैं तो यही कहूँगा कि नैनो नहीं है, बाइक है, बाइक, बाइक वाली नैनो, यानी बाइक वाली कार है। आप कहीं से भी इसे भी घुसा दो भाई, वहीं से भी निकल जाएगी। तो ये वाली कार पे मुझे इतने वाला ट्रस्ट है ना, छोटी सी गली होगी ना, वहाँ से भी इसे निकाल सकता हूँ। और अदर कार्स के साथ ये नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे ये वाली बात नैनो की बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, सॉलिड लगती है। और सबसे लास्ट, वन ऑफ द लास्ट, सेवन्थ नंबर पे, वन ऑफ द बेस्ट मेरा एक ये भी पॉइंट है कि इसके अंदर यार स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस है, एक कमरा भी संभाल सकता है इसके अंदर, इतना ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। मुझे जो इसका स्पेस लगता है ना, अगर मैं यहाँ बैठ गया ना, पूरे ऐसे पैर फैला के बैठ जाऊँगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नैनो में इतना स्पेस है अंदर से। मैं हर बार ये कहता हूँ, इसका कार का जो इतना स्पेस है ना, एक लग्जरी कार भी फेल हो जाती है इसके स्पेस के आगे। इतना स्पेस भाई नहीं है किसी में, नहीं है किसी में भी, यहाँ तक कि सिर्फ डिज़ायर के अंदर भी नहीं है इतना स्पेस। इसके पीछे का जो लेग स्पेस है नहीं है, हेड रेस्ट है नहीं है। मुझे ये वाली सारी चीज़ें दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा ऑसम लगती है। इन सब चीज़ों की वजह से ना, अलग जो कंपनियां हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं, उन सबको दोस्तों इस कंपनी से, यानी टाटा से, इतना ज़्यादा हेट हो गया, इतना ज़्यादा स्प्रेड कर दिया उन्होंने टाटा नैनो की वीडियोज़ को, इतना ज़्यादा गंदे वे में लोगों को स्प्रेड करना, यानी खबर नकली वाली फैलाना चालू कर दिया, बहुत ज़्यादा हेट करने लगे दोस्तों नैनो को लोग बाग सारे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमारे इंडिया में चलते हैं भेड़ चाल वाले लोग, बहुत ज़्यादा है भेड़ चाल वाली लोग हैं यहाँ पे। जैसे मान लो मेरे पास है एक अच्छा सा घर है ना, ठीक है, वो ये सोचते हैं यार इसने चोरी के पैसों से बनाया होगा ज़रूर, यार इसने ये चीज़ करोगी, यार इसने वो चीज़ करी होगी, तो भाई उसकी जो मेहनत है ना उसको नहीं देखते कोई भी, उसकी ये बुराइयां छाटने में लगा देते हैं लोग, उसकी बुराइयां देखते हैं, उससे जेलस होने लग जाते हैं, यार ये इस कमीने के पास कैसे आ गया, यार इस कमीने ने क्या कर दिया। तो यार ये सारी चीज़ें ना एक हेट की तरह लोगों के सामने दिखाने लगे, वो कितनी बेकार कार है, कितनी सस्ती कार है, कितनी चीप है, ये है वो फलाना ढिमकाना, ये सारी चीज़ों की वजह से नैनो फेल हो गई इंडिया में। अगर ये किसी और कंट्री में होती तो भाई वहाँ पे तबाही मचा रही होती थी, तबाही मचा रही होती अभी तक, और सबसे ज़्यादा इसी के सेल्स होते अभी तक, मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा इसी के सेल्स होते अभी तक नैनो के, मैं गारंटी देता हूँ मेरे दोस्तों। और ऑसम लगी होगी दोस्तों वीडियो आपको, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है दोस्तों, तो आपको क्या करना है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑल पे कर लो, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लो, क्योंकि ये दोस्तों फॉलो इसलिए करना है इंस्टाग्राम को, वीडियो आने से पहले दोस्तों मैं वहाँ पे पोस्ट डाल देता हूँ कि ये वाली वीडियो आने वाली है और तबाही मचाने वाली है। दोस्तों आप इतना ज़्यादा प्यार दिया ना मुझे दोस्तों, बहुत ज़्यादा कुछ दिनों के अंदर इतना ज़्यादा प्यार दिया भर भर के, क्योंकि फैमिली जो आप लोगों की फैमिली इतनी ज़्यादा हो चुकी है, अगर मैं इस तरह से गले भी मिलने लगूँ ना, इस तरह से भी मिलूँ गले, तब भी कम है यार, इतनी ज़्यादा फैमिली हो चुकी है, मुझे बहुत ज़्यादा फ़क्र है, फ़क्र है, फ़क्र है अपने ऊपर और आप लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा, कि आप इतना सपोर्ट कर रहे हो यार मेरी वीडियोज़ को। तो मिलेंगे दोस्तों हम इसी के साथ एक नए टॉपिक पे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।